मिले खाती राई तो। आज जिम्मा मिला है पनीर बनाने का इनको। आप बनाएंगे ना पनीर का सब्जी? इधर देख के बोलिए। पिंक का पेड़ है, आईवान पिंक का पेड़ है। एक साल के बाद 50 kg हमको भी मिलेगा। ट्रक से विदेश में सप्लाई होगा, ताइवान जाएगा। इधर तोड़ा है ये देखिए, लड्डू का दांत टूट गया है। और इसे दिखा दो, दांत दिखा दो, दांत दिखा दो, अच्छा दिखा दो, अच्छा दिखा दो। ये देखिए गिर के अपना दांत तोड़ लिया है लड्डू। और ये बेचारा तो इधर चल रहा है अभी गुपचुप। अरे कुछ बोल के करो। हाय फैमिली, हाय यूट्यूब फैमिली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मेहता ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 6:30 और देखिए अभी सूर्यास्त होने वाला है। तो अभी अंधेरा नहीं हुआ लेकिन हल्का 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 अंधेरा हो गया है। और अभी मिलवाते हैं आपको हम अपने घर के न्यू फैमिली मेम्बर से। तो इनसे मिलिए, ये है हमारे घर के सारे न्यू फैमिली मेम्बर, हमारे प्यारे गार्डन के छोटे छोटे प्यारे से मेम्बर हैं सारे। तो अभी सारे खिले हुए हैं, सबको अभी रिपोर्टिंग करना बाकी है। तो उसका ब्लॉग मैं डालूंगी जब रिपोर्टिंग करूंगी। तो अभी अभी ना रिपोर्टिंग मैं आज ही करती, लेकिन अभी मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं होने की वजह से हम अभी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो दिखाते हैं कितने सुंदर सुंदर हैं सारे फूल। एक ना मैंने ये लाया मेरे गार्डन में ना बालकनी पे, सिर्फ पर्पल कलर के और पिंक कलर के पिटूनिया थे, तो ये मैंने रेड वाला लेके आया है। और ना बहुत सुंदर सुंदर कलर है। तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि और कौन कौन से मेम्बर्स हमारे बालकनी पे जुड़ने वाले हैं। तो ये देखिए ये सारे न्यू मेंबर्स हैं, अभी छोटे छोटे सब हैं। सबको अभी मैं लगाऊंगी, मेरा वो हैंगिंग पॉट जो टंगा है ना, वो हैंगिंग पॉट सारा मेरा खाली है अभी। तो वो सारे ये सारे जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो हैंगिंग पॉट में लगाने के लिए मैं लाई हूँ। और इधर भी एक प्लांट है, ये नींबू का है, और इधर अमरूद का है, एक गेंदा का इधर भी रखा हुआ है। तो इतने सारे सब न्यू प्लांट्स मेरे मेंबर्स बनेंगे बालकनी पे। और मुझे ना गार्डनिंग बहुत पसंद है, गार्डन में फूल बहुत पसंद है। और ये देखिए ये सारे हमारे अभी बड़े हो गए हैं, सब छोटे छोटे लगाए थे इन लोगों को, तो सब बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे खिले हुए हैं। तो गाइस आज हमारे घर में गेस्ट भी आए हैं। तो गेस्ट में कौन आए हैं? गेस्ट में आए हुए हैं गोलू के मामा जी, है ना, गोलू के मामा जी आए हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल अब तो शाम हो रहा है, तो शाम में सारा लगभग काम हो चुका है। अब हम जा रहे हैं किचन में, किचन का सारा काम समेटने। तो आज खाने में बनेगा आलू का पराठा। आलू का पराठा और क्या बनेगा? आलू का पराठा, मीठा टमाटर का चटनी। हाँ, टमाटर का मीठा चटनी। गोलू को पता है कि उसके साथ क्या बनेगा ना बेटा? हाँ। तो तुमको पसंद है ना? हाँ। है कि ना? बस आलू के पराठा में मिर्च मत डालना। अरे एक मेंबर से तो नहीं मिलवाए, एक मेंबर हमारे इधर खड़े हैं। एक मेंबर हमारे इधर खड़े हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, भी शाम भी हो रहा है और बालकनी पे भी ठंड भी लग रही है। तो मैं बालकनी पे हूँ काफ़ी देर से, अभी चलते हैं अंदर। और अभी किचन में चलना है तो किचन का काम भी करना है। तो अभी इसको फिलहाल मैं बंद कर दे रही हूँ क्योंकि इधर से आता है। आ जाओ अंदर, गेट बंद करो, हवा आ रहा है ठंडा ठंडा। हाँ चलो आ जाओ, बंद करें। इधर से ना इतनी ठंडी हवा मारती है ना मेरे हॉल में। अरे तो पापा का कन्हैया चढ़ के आ रहा है। अरे वाह, लड्डू घूम के आ रहा है, खुश है ना लड्डू? कहाँ गया था घूमने? अरे कैसे कन्हैया चढ़ा हुआ है, कहाँ गया था घूमने? लड्डू गया था अपने मामा जी और पापा जी के साथ घूमने। अभी कन्हैया चढ़ के घूमा है क्या सब जगह? आहा, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना भरिया के हसीना। तो अभी चढ़ा दिए हैं शाम का चाय, और अभी हमारा चाय बन रहा है शाम का। और इधर बैठा हुआ है लड्डू, तो इससे मिलिए। ए हाय करो, हाय हेलो करो, सबको करो हाय हेलो, बोल के करो। हाय। ये है गोलू का मामा, लड्डू का भी मामा है। लड्डू लड्डू और गोलू दोनों का मामा है। क्या कर रही तुम? वाह लड्डू वाह वाह, आए ले डांस जियो। अरे वाह, मिले खाती राई तो। तो गाइस हमारा आलू का पराठा रेडी है, और ये देखिए अभी जा रहे हैं लड्डू के पापा को खाना देने। लो ले जाओ पापा जी को दिया जाके। तो गोलू ले गई है पापा जी का खाना, और इधर हम दूसरा निकाल रहे हैं तब तक, और वो गर्मा गर्म खाएंगे। तो गाइस अभी देखिए मिट्टी सारा आ चुका है, और बड़ी बड़ी मिट्टियाँ हैं, और इधर सारा पॉट रखा हुआ है। तो ये सब मैं पॉट में मैं लगाऊंगी छोटे वाले प्लांट्स,
तो अभी सबको रिपोर्टिंग करना है और बहुत मेहनत वाला काम है, पूरे दिन का टाइम लग जाएगा इसमें मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं बागवानी। इधर लग रहा है अमरूद का पेड़ और इधर लग रहा है छोटा छोटा फूल पौधा। अरे उधर से क्यों, क्या कर रहे हो बताइए? मेरा ताइवान पिंक का पेड़ है। ताइवान पिंक का पेड़ है। एक साल के बाद इसमें 50 kg अंगूर निकलेगा। ट्रक से विदेश में सप्लाई होगा, ताइवान में जाएगा। ताइवान में जाएगा एक साल बाद। आपको तो इतना पूरा मिट्टी एक ही कमरा में अटक गया सब। आज बढ़िया काम लगा है आपको? ना ना, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं ना फॉर दिस वन। हां मना दिल को सुकून मिल रहा है थोड़ा प्रकृति के नजदीक रहने का। जानती हो जॉब छोड़ के जो आया ना सब है वही है कि सब मजे मजे नहीं आता। 40-50 के जॉब छोड़ के आया सब कह रहे पता है मजा नहीं आ रहा, लाइफ में सारा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। गाइस अभी सारा फूल वगैरह लग के और अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 6 और गुल्लू इधर कर रही है पढ़ाई। सुनो और ये मिली है हमारे ब्लॉग में न्यू मेंबर से। देखे क्या किया, फिर से करो जरा। अरे तो कुछ बोल के करो। हाय फैमिली, हाय यूट्यूब फैमिली। तो ये है मेरा भगिना, तो ये सबको हाई कर रहा है, तो आप लोग भी सबको हाई कर दीजिएगा। और मिलवाते हैं अभी, इधर दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो इधर चल रहा है अभी गुपचुप। हाई कीजिए, हेलो कीजिए, इनसे मिलिए। ये है यूट्यूब फैमिली के न्यू मेंबर। एक उधर है लड्डू, वो पुराना मेंबर है। दांत तो अपना दांत तोड़ लिया है लड्डू, अपना दांत तोड़ लिया है। लड्डू का दांत दिखाया जाए जरा, किधर तोड़ा है ये देखिए। लड्डू का दांत टूट गया है। अभी से दिखा दो दांत, दिखा दो दांत, दांत अच्छे दिखा दो, अच्छे दिखा दो। ये देखिए गिर के अपना दांत तोड़ लिया है लड्डू। ऑयल बे चला तो आज बनेगा मटर पनीर। इधर पनीर रख लिए और इधर मटर भी हमारा छिल गया है। क्या बोल रही हैं? तो देखिए दोस्तों आज जिम्मा मिला है पनीर बनाने का इनको। आप बनाएंगे ना पनीर का सब्जी? हाँ इधर रख के बोलिए। पनीर काट रहे हैं बड़ा प्रेम से, काट रहे धीरे धीरे। तो तब तक वो पनीर काट रहे थे, तब तक हम यहाँ पे पनीर को थोड़ा थोड़ा करके तल दे रहे हैं। और उसके बाद अभी ये देखिए अभी तक पनीर इनका कट ही रहा है, तब तक हम इधर बाकी जो पनीर था ना उसको तल रहे थे अभी। तो आज गेस्ट लोग आए हुए हैं तो हम सोचे क्यों ना मटर पनीर और पूरी बना दे, शाम का टाइम भी था और गर्मा गर्म आ जाएगा जलेबी। तो सबसे ज़्यादा पसंद जलेबी तो गुल्लू के पापा को ही है, तो वही खाएंगे जलेबी सबसे ज़्यादा। और अभी फ़िलहाल इधर मेरा पनीर तला रहा है, तब तक उधर आंटी भी कुछ कुछ काम बाकी था वो कर रही थी और इधर गप सप भी अपना सब लोग के साथ चल रहा था, क्योंकि मेरा किचन तो हॉल में ही है ना, तो खुला है किचन, तो सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे चौकी पे और गप सप हमारे साथ चल रहा था यहाँ पे। तो हमारा मटर पनीर का सब्जी हो गया था रेडी और इधर मैं गर्मा गर्म निकाल रही हूँ पूड़ियाँ। तो अभी गर्म गर्म पूड़ियाँ निकालूंगी और उसके बाद सब लोग बैठेंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं गर्म गर्म कुछ पूड़ियाँ निकाल दी थी, तो इसीलिए मैं सबसे पहले कुछ लोगों को के लिए खाना निकाल दे रही थी, वो लोग खाएँगे और उन लोग के बाद उन लोगों को घर भी जाना है।
तो इसीलिए उन लोगों का खाना पहले निकाल दी थी, और मैं तो हमेशा ही लास्ट में खाती हूँ सबको खिला लेने के बाद ही। तो यहाँ पे भी देखिए और पूड़ियाँ तली रही थी, और इधर लड्डू के पापा भी मतलब उधर लड्डू को खिला रहे हैं, वो काफ़ी परेशान कर रहा था सोने के लिए, इसलिए वो उसको रखे थे, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे थे। तो इधर चल रहा है अब सब लोग का गर्मा गर्म खाना पीना, और लड्डू भी बैठ के खा रहा है, देख लीजिए वो भी, उसको भी ना कुछ कुछ मतलब कोई भी कुछ भी खाता है तो उसको भी खाना होता है साथ में, तो वो भी बड़ा प्रेम से बैठ के और उसके बाद खा रहा था। तो गाइज़ आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब हो गया है टाइम मेरा खाना खाने का लास्ट में, चलिए हम भी खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ 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 जो भी न्यू मेंबर है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।